हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इसी पर रिलेटेड एलसीएम एससीएफ पर ही, वह कुछ इस फॉर्म में होगा। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, सिंपली इंटीजर के फॉर्म में फैक्टोरियल को देख रहे थे। बेसिकली हमने बताया था कि फैक्टोरियल कभी फ्रैक्शन नहीं होता है, लेकिन ये देखिए ना, ये फैक्टोरियल फ्रैक्शन है, ये 8 फैक्टोरियल ऊपर है पूरा पूरा और अपॉन 6 फैक्टोरियल है। हमने इस बात के लिए मना किया था ऐसे कि 1/2 ऑफ फैक्टोरियल लगा दें आप या ऐसे 3/2 फैक्टोरियल लगा दें, ये नहीं होता। ठीक है, ये इसलिए हमने मना, इसके लिए मना किया था। देखिए पूरा पूरा एक इंटीजर फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल है। अब हमें दिया गया है 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का आप लसअप और मसअप याद कीजिए। यहां पर हमारा पर्पस सिर्फ आपको सिखाना है कि इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व। इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस फैक्टोरियल को ब्रेक करते हैं। ब्रेक करके जो डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल है हम उसे रिमूव करते हैं। देखिए यहां पर जो भी नंबर दिए गए हैं वो क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। ठीक है, तो इसलिए ये आसानी से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल हमको किसमें ब्रेक करना है, 6 फैक्टोरियल, तो क्या लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। ये देखिए 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा हमारे पास 8 × 56। ऐसे ही देखिए 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। अब हम क्या करें, 7 फैक्टोरियल किसमें ब्रेक करेंगे, 5 फैक्टोरियल के फॉर्म में, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, और ये दोनों फैक्टोरियल देखिए क्या हो गए, 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, कितना बचा 72। ऐसे ही 4 फैक्टोरियल को ब्रेक किया, कितना आया 4 इंटू 3, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, कितना बचा 12। अब हम क्या करते हैं 56 का फैक्टर करते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए 2 × 4 × 8 = 56, 42 करते हैं, 2 × 3 = 6 = 42। इसके बाद 12 करते हैं, 2 × 4 = 12। तो यहां से हमने देखा, अब हमें क्या मिला, यहां से हमें इसकी वैल्यू मिल गई। तो यहां पे मिला हमें क्या, देखिए कॉमन यहां 2 है, यहां 2 है, यहां 2 है, 2 मिल गया, यहां 2 है लेकिन यहां 2 नहीं है, यहां 2 है लेकिन दोनों में नहीं है, इसलिए हम यहां पर कोई फैक्टर नहीं होगा 2 का। फिर इसके बाद यहां 2 है, यहां तो है ही नहीं, यहां 7, यहां 7, यहां 7 नहीं, यहां 3, यहां 3 नहीं, इसका मतलब हमारा एलसीएफ क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएफ क्या हो जाएगा 2। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालना 56 × 40 = 12, और ये आ गया हमारा, तो 2 × 2 × 2 × 3 × 7 किया, कितना आ गया 168। देखिए ये हमारा हो गया एलसीएम, तो एलसीएम आ गया 168, एससीएफ कितना आया था 2। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, एलसीएम 168 और एससीएफ कितना है 2, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस फॉर्म में भी हमें फैक्टोरियल की वैल्यू देता है, फैक्टोरियल का क्वेश्चन देता है, तो अब हम सॉल्व कर लेंगे, अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ बिल्कुल याद रखिएगा, हमने जो आपको सिखाया एलसीएम सबसे बड़ा वाला फैक्टोरियल और एससीएफ सबसे छोटा वाला फैक्टोरियल, वो सिर्फ इंटीजर फैक्टोरियल मतलब इस टाइप का फ्रैक्शन में न दिया रहेगा तभी होगा। अगर फैक्टोरियल इस टाइप का दिया है तो हम उस मेथड बिल्कुल नहीं लगाएंगे, उसे इसे ऐसे सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद देखेंगे। हाँ, अगर हम ये चाहते हैं कि हम इस तरीके से एलसीएम ना निकाले, इसी फैक्टर से क्या कर लें एलसीएम भी निकाल लें, तो बिल्कुल आराम से निकाला जा सकता है। हम एससीएम में क्या करते हैं, जो तीनों में कॉमन होता है बस उसे लिखते हैं, और एलसीएम में क्या करते हैं कि हर एक फैक्टर एटलीस्ट वन टाइम्स लेते हैं, मतलब एक बार हर एक फैक्टर लिखेंगे। तो इसे जैसे यहां देखिए 2 है ना, तो हम अगर एलसीएम मान लीजिए हम निकाल लें, एलसीएम अगर निकाल लें तो 2 है ना, तो 2 हम लिख लेंगे। फिर इसके बाद यहां 2 देखिए टोटल काउंट कर लीजिए, 2 कितनी बार है, 1, 2, 3, यहां 3 बार, यहां 1 बार, यहां 2 बार, इसका मैक्सिमम कितनी बार है 3 बार, तो 3 बार लिख लेंगे, जो ज्यादा बार रहेगा जितनी बार उतना लिख लेंगे। 7 देखिए कितनी बार, यहां 1 बार, यहां भी 1 बार, मतलब एक ही बार है, एक बार लिख लीजिए। यहां हमने 3 देखा तो यहां भी 1 बार, यहां भी 1 बार, एक ही बार है तो लिख लीजिए। तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, देखिए 2 × 4 × 8 × 8 × 7 = 21, कितना आ गया 8 × 8 = 16। तो इस तरीके से आप यहां से भी निकाल सकते थे, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इस तरीके से निकाला, कोई डाउट किसी को। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यदि a = 2 फैक्टोरियल और b = 3 फैक्टोरियल, तब आप वैल्यू कैलकुलेट करिए किसका, 8a³ + a² × b² - b³। इसका आप क्या करिए, वैल्यू बताइए। तो सिंपल सी बात है, हमें a और b की वैल्यू दी गई है ना, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, a और b की वैल्यू हमें दिया गया है 8a³ + a² × b² - b³। ये गलती से लिख गया था, ठीक है। अब बताइए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a फैक्टोरियल का मतलब क्या, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, b फैक्टोरियल मतलब क्या, 3 × 2 × 1, मतलब क्या आ गया 3, 2 = 6। इसका मतलब क्या हुआ, हमें a और b की वैल्यू मिल गई, a और b की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम a और b की वैल्यू ले जा करके इस इक्वेशन में रख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। क्या दिया गया था हमें, 8a³ + a² b² - b³, इतनी बातें दी गई थी। तो आइए हम क्या करते हैं, सारी वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू कितनी आई थी 2 और b की वैल्यू कितनी आई थी 6, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। अब देखिए, अब हमने कहा कि a = 2 b = अब यहां पर पुट करेंगे कितना आ जाएगा -8, तो -8 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।